नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल प्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। आवारा मजनुओं के खिलाफ कोड रेड पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी। यही वजह है कि कॉलेज और स्कूलों के पास अब मजनुओं की संख्या कम हो गई। वहीं दूसरी ओर आवारा शोहदे स्कूल कॉलेज छोड़ दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया। ताजा मामला गड़ा थाने के मेडिकल चौराहे का है, जहां पर की एक युवती को एक सोहदा बीते कुछ दिनों से न सिर्फ छेड़ता था बल्कि अश्लील कमेंट भी पास किया करता था। कल भी मेडिकल कॉलेज जा रही युवती को पान के ठेले में खड़े युवक ने न सिर्फ छेड़खानी की बल्कि युवती का हाथ तक पकड़ लिया। युवती के साथ हुई इस घटना की शिकायत उसने कोटरेड पुलिस से की। आज भी जब युवती पुनः मेडिकल कॉलेज जा रही थी तभी युवक पान के ठेले में खड़ा था, जिसे कोटरेड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि युवक को कई बार युवती ने समझाइश भी दी, बावजूद इसके युवक लगातार छेड़खानी करने से बाज नहीं आ रहा था। फिलहाल रेड कोट पुलिस ने आरोपी को गड़ा थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। कोटरेड ऑफिस में एक आवेदिका ने शिकायत की है कि एक लड़का पानठेले के पास कुछ लड़के उसे परेशान करते कुछ दिनों से ही, लेकिन दो दिन पहले उसके साथ हाथ वाथ पकड़ के कुछ बदतमीजी की उसकी उसने शिकायत की थी। तो कोटरेड पुलिस ने तत्काल घटना पर पहुंचकर आवेदकों को तलब किया और उन्हें पकड़कर थाने उपस्थित लाया है। गड़ा थाने मेडिकल के गेट के पास से। क्या नाम है? गुड्डू नाम है उसका। किस तरह कार्रवाई चल रही है आप लोग? लगातार आ रही है? हाँ, शिकायतें हम लोग के पास आती है तो हम लोग तत्काल उस पर कार्रवाई करते और पकड़ के संबंधित थाने को पहुंचा देते और वो लोग उस पर अग्रिम कार्रवाई करते हैं। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर हंटर करता है मुद्दों की बात जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।